मथो जाप्यम यत्कर्तव्यम निर्भि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। पहले स्कंद के 19वें अध्याय का 38वां श्लोक। महाराज क्या साधन करें हम, जल्दी से काम हो जाए हमारा। तो सुखदेव परमहंस ने उत्तर दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तीन काम करना है, श्रवण कीर्तन स्मरण, इस पर ध्यान दीजिए। तीन साधन भक्ति के, श्रवण आप लोग इस समय श्रवण कर रहे हैं, लेकिन श्रवण सिद्ध महापुरुष के द्वारा ही करें। अगर ऐसे अहरे गहरे पंडितों के अगर लेक्चर सुनेंगे तो कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। वो तो आपको बताएंगे कान फुका लो और चारों धाम की मार्चिंग कर आओ और ऐसे ऐसे करके जप कर लो उंगली से और मुंह जबान से पाठ कर लो गीता भागवत रामायण के, यानी इंद्रियों का वर्क कर लो और तुमको हम बैकुंठ में गोलोक में गेट पे मिलेंगे, पास कर देंगे। और हमको गाली देते हैं कि कृपालु न चेला बनाता है न बढ़ाने देता है। यही हाल है हमारे देश का। तो इसलिए श्रवण भी सिद्ध महापुरुष से करना है और अपने मार्ग के अनुसार करना है। तुमको तो दीन बन करके भगवान से रो करके उनका दर्शन और आनंद मांगना है। तुम अपने को भगवान मान लोगे तो रही सही दीनता भी समाप्त। अपने मार्ग के अनुसार जो वक्ता महापुरुष मिले उसका श्रवण करो, नहीं मिले हमको मालूम हो गया क्या करना है, बस फिर क्या है प्रमुख काम क्या, स्मरण। सब लोग ध्यान दो, भक्ति का प्राण क्या, स्मरण, भगवान का स्मरण, उनका रूप ध्यान, बस यही हम नहीं करते। कीर्तन खूब कर रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं जैसे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे काम नहीं बनेगा। ये तो फिजिकल वर्क है, फिजिकल वर्क तो भगवान लिखते ही नहीं, वो तो तुम्हारे हृदय को देखते हैं, तुम्हारे मन का अटैचमेंट कहाँ है, माँ में बाप में बेटे में बीबी में पति में, और मुंह से क्या बोल रहे हो, हरे रामा, तो जहां अटैचमेंट है मरने के बाद उसी का फल मिलेगा। इसलिए स्मरण सबसे पहले, क्यों, इसलिए कि मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, वेद कह रहा है, ब्रह्म बिंदु उपनिषद नारद पुराण भी यही कह रहा है, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, पंचदशी भी यही कह रही है, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, बंधन है संसार का वो भी मन का, वैराग्य होगा वो भी मन का होना चाहिए। जंगल में जाके बैठ गए हो चिंतन कर रहा है संसार का, ये वैराग्य नहीं, मन का अटैचमेंट भगवान में हो बस उसी का नाम भक्ति। आप एक बार राम श्याम भी न कहे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन रो कर उनका ध्यान करके, रो कर उनसे उनका दर्शन मांगो, निष्काम प्रेम मांगो, संसार नहीं मांगना, मोक्ष नहीं मांगना, केवल उनका दर्शन, उनका प्यार, उनकी सेवा, यही भावना रख करके उनकी उपासना करना है। हमारे देश में करोड़ों लोग उपासना करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सब सकाम भागे जा रहे हैं, वैष्णो देवी भागे जा रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर, दुर्गा जी के मंदिर, क्या है भाई, ऐसा है कि हमारा बेटा बहुत सीरियस है तो वो सच्ची देवी है, सच्चे देवता है, सच्ची देवी क्या करेंगी, वो बचा लेंगे। अच्छा क्यों जी, जिस अभिमन्यु के मामा श्री कृष्ण भगवान
अभिमन्यु के पिता अर्जुन गीता ज्ञानी महापुरुष और अभिमन्यु का ब्याह कराने वाले भगवान के अवतार वेद व्यास, तीन तीन भगवान, और नहीं बचा पाए, उत्तरा विधवा हो गई 16 वर्ष की उम्र में। और तुम कह रहे हो कि हम खाली वहां जा करके लौट आएंगे तुम या मृत्युंजय का जाप करा देंगे पंडित जी से तो हम मृत्यु को जीत लेंगे। अरे मृत्यु को तो नहीं जीत सके बड़े बड़े महापुरुष भी, तो पंडित जी क्या जिताएंगे तुमको, तुमको धोखा है। तो कामना नहीं करना, भगवान से कुछ मांगना नहीं, ये निश्चय कर लो। रोकर उनके नाम गाओ, गुण गाओ, लीला गाओ, इंद्रियों को भी साथ ले लो, अच्छा है, लेकिन अनन्य प्रेम होना चाहिए। अनन्य प्रेम यानी और कहीं अटैचमेंट ना हो, इधर भी प्यार है, इधर भी है, लड़की विदा हुई उधर भी आंसू बह गए, और गुरु जी विदा हुए वहां भी दो आंसू, ये सब क्या है। जिस मन से शुद्ध भगवान और गुरु का स्मरण किया, उस मन से संसार का स्मरण नहीं करना है, अटैचमेंट नहीं करना है, ड्यूटी करो, अटैचमेंट न करो, प्यार न करो, ड्यूटी करो। तो इस प्रकार भगवान का रूप ध्यान करते हुए रोकर आंसू बहाकर बिना किसी कामना के उनसे उनका दर्शन, उनका प्रेम, उनकी सेवा मांगो तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। ध्यान दो, जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो गुरु के द्वारा स्वरूप शक्ति मिलेगी, एक अलौकिक शक्ति होती है भगवान की, वो स्वरूप शक्ति आपके इंद्रिय मन बुद्धि सबको दिव्य बना देगी। तब ये इस इंद्रिय मन बुद्धि से भगवान का आप आनंद ले सकेंगे, इन आंखों से भगवान का आनंद नहीं मिलेगा। बहुत बार देखा है आप लोगों ने राम को, कृष्ण को, अनंत बार, लेकिन देखे नहीं समय, क्या कहा आपने, ये कौन है, श्री कृष्ण है, अरे बड़ा लफंगा है, तो लड़कियों के पीछे घूमता रहता है, उस समय आपने ये कहा, क्योंकि आपकी तो माइक बुद्धि है ना, आपकी आंख में जो चश्मा लगा है उसी से आप सबको एक सा देखते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इसलिए जब तक अंतःकरण शुद्ध न हो और गुरु द्वारा दिव्य शक्ति न मिले, तब तक भगवान न मिले अच्छा है, क्योंकि अगर वो मिल जाएंगे तो भगवान के रूप में तो दिखाई नहीं पड़ेंगे और हमारी बुद्धि उनके प्रति निकृष्ट हो जाएगी। इसलिए साधना के द्वारा हमें आगे बढ़ना है, अनन्य भाव रखना है, अन्य में प्रेम न हो, केवल श्री कृष्ण में प्रेम हो, और जितने भगवान के अवतार भी हैं या संत हैं सब उन्हीं के अंतर्गत मान लो, केवल राधा कृष्ण और गुरु, बस इतने को लेकर के चलो और सदा सर्वत्र उनको महसूस करो। ये बड़ी कमी है आप लोगों में, एक घंटा दो घंटा मान लो आप पूजा पाठ करते हैं, गलत सही जो कुछ, बाकी टाइम में एकदम भूल जाते हैं, वो हमारे अंदर बैठे हैं, अरे वेद कह रहा है बैठे हैं, लेकिन हम अपनी प्राइवेसी चलाते रहते हैं। तो हमारी प्राइवेसी जब चलेगी तो इसका मतलब हम भूल गए कि हमारे अंदर बैठे, नास्तिक हो गए। अगर हम सदा ये रियलाइज करें वो हमारे अंदर बैठे हैं तो अपराध नहीं कर सकते। देखो मनुष्य के सामने हम अपराध नहीं करते, अंदर तो करते हैं बाहर नहीं करते। उसके पर्स में 1 लाख रखा है, सामने पर्स है, मुझे पता है 1 लाख है इसमें, लेकिन अगर मैं उठाऊंगा तो पिट जाऊंगा, रहन दो, सब चले गए, वो भूल गया पर्स, अब उठा लो 1 लाख मिल गया। यानी मनुष्य से डर के तो हमने पाप नहीं किया, नहीं उठाया, और भगवान का कोई डर नहीं। अरे भगवान भगवान कहाँ है, अरे तुम तो कह रहे थे अंदर भी है, सब व्यापक भी है तो लेकिन ऐसा है कि उस समय हम भूल जाते, तो तुम नास्तिक हो गए। फिर 1 घंटे को आस्तिक बने और 23 घंटे को नास्तिक बने, तो तुमको परिणाम क्या मिलेगा,
इसलिए हर समय हमको अभ्यास करना है, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, हाँ साथ है। जैसे किसी के बैंक में 1 अरब रुपया जमा हो तो यह चलता है, 1 अरब है। ऐसे ही हमारे अंतःकरण में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुरत, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान बैठे हैं। अब मेरे बराबर कौन है धनी? इसी आनंद में फूले रहो, सदा उनको अपने साथ मानो। ऐसा करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर अंतःकरण शुद्धि के बाद आपका कोई काम नहीं, फिर गुरु और भगवान का काम है आगे, वो अपना करेंगे, उन पर छोड़ दो शेष। फिर कभी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।